कुछ पता चलता ही नहीं, जब से मुझको तू मिला है। ओ तेज चला तेज, क्या बात है सर। अब आप चलेगी ना, क्या बात है सर। अरे वाह मोशन भाई, स्केटबोर्ड कितने का है। सदियों से भी लंबी है, मन की आमावा से है, और तू फुल जड़ियों वाले बोल गए। बर्फ बर्फ बर्फ, किसको नहीं पसंद बर्फ। खासकर हम कश्मीरी लोग विंटर के लिए इसीलिए एक्साइटेड होते हैं क्योंकि बर्फ होती है। लेकिन इस साल अभी जनवरी चल रहा है और बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है। एकदम नॉर्मल मौसम, बर्फ की कोई संभावना नहीं। हालांकि ठंड पूरी है, ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बर्फ नहीं हो रही। यहाँ तक कि गुलमर्ग में, जहाँ जनवरी में पूरा गुलमर्ग बर्फ से ढका होता है, रोड्स बंद होता है, वहाँ भी बर्फ नहीं है। तो आई बिलीव हमारी गलतियाँ हैं जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। बट उम्मीद करते हैं जल्दी से बर्फ़ हो और हम लोग एंजॉय कर सकें। और जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट वगैरह, खासकर बर्फ़ देखने के लिए कश्मीर आते हैं, गुलमर्ग जाता है, तो वो भी एंजॉय कर सकें। बाकी वेलकम बैक टू चैनल, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सबका सही जा रहा होगा। खिड़की बंद कर देते हैं, बर्फ नहीं हो रही लेकिन ठंड पूरी है। आज दिन का सबसे पहला काम गाड़ी की वॉशिंग करानी है। कल वो सस्ती ऑफर नहीं करी थी ना हमने, तो गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई, तो वॉश करा के लाते हैं गाड़ी को। अरे यार टेंट हमने अभी पैक नहीं करा, पिछले दो दिन से टेंट पार्क में। कोई नहीं बाद में करते हैं। ऑटो, क्या बात है, चलो जी। ये देखो गाड़ी की हालत, वेरी वेरी डर्टी। वाह 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 वाह, जा जंग लग गया है। हुआं दियां चली आशियां उठ गया। ये देख लो जी क्या मस्त धूप निकली आज। ओए ओए एकदम कड़क। मैं देखिए मैंने ये डाला हुआ है हेयर बैंड दीदी का, बाल बंद रखने के लिए, स्क्रैच ना लग जाए इससे। बिस्मिल्लाह। हाँ गाड़ी की वॉशिंग। व्हाई? ओके ओके ना कैज। ओके ओके ओके, माँ बोल रही है मुझे भी जाना था मार्केट, तो मैं बोला भाई मैं गाड़ी वॉश करके लाता हूँ उसके बाद चलते हैं, क्योंकि दूसरी साइड जाना है, मार्केट दूसरी साइड पड़ता है, मेन मार्केट ना। तो गाइज निकल पड़ा जी मैं ऑफिशियली घर से, तो चलते हैं जी। ये चश्मा यार उतना अच्छा नहीं है ये वाला। मैंने यार नया चश्मा ऑर्डर किया था वो भी आया नहीं यार, 5 दिन पहले ऑर्डर किया था मैंने मिंत्रा से, अभी तक आया नहीं। मेरे पास था यार जो मैं पहनता था अक्सर, आप सब जानते ही हैं वो ब्लैक वाला, लेकिन 1.5 साल चलाने के बाद, मतलब 1.5 साल पहनने के बाद वो पिछली बार खो गया मेरा, गुलमर्ग में रह गया, पता नहीं कहाँ किसी ढाबे पे रह गया शायद। तो फिर मैंने नया ऑर्डर किया तो वो भी आया नहीं, वो वाला मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने सेम वैसे ही ऑर्डर किया, देखते हैं कब तक आता है। हम चश्मे की बात क्यों कर रहे हैं वैसे। चलो यार लेम बात है। ये आ गए जी हम वॉशिंग सेंटर, अब ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कोई है क्या ऑलरेडी लाइन में? गेस व्हाट गाइस, वॉशिंग वाले ने वॉशिंग करने से मना कर दिया। पूछो क्यों? क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं था। कुछ पूछा मैंने कुछ भाई, बोल रहा है बाद में आना 1 बजे के बाद, अभी पानी अवेलेबल नहीं है। भाई पानी ही तो अवेलेबल होना चाहिए था वॉशिंग सेंटर में, और क्या चाहिए होता है, पानी ही तो चाहिए। चलो यार गजब बेइज्जती। अब यार दूसरे सर्विस सेंटर जाते, लेकिन वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो इतनी झंझट नहीं उठानी है मुझे। अब एक काम करते हैं, शायद ट्यूशन से आएगा ना तो फिर खुद वॉश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक नदी है तो वहाँ लेके चलते हैं गाड़ी को, तो खुद वॉश करते हैं, 200-300 बच भी जाएगा हमारा, पैसा बचाओ। ओके अभी अब खाने के लिए कुछ उठा लेते हैं, खाली हाथ घर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
फ्लावर्स बनाते हैं 50-60 रुपए के पेट्रोल को। मोशन भाई स्केटबोर्ड कितने का है? ये ना एक ब्लैक, ये वाला 2000 ना? ये असली वाला है ना, मतलब एडल्ट वाला कि बच्चों वाला? हाँ शौक तो है मुझे लेकिन चलाना कहाँ आएगा। हाँ खुद के लिए वही ना, मुझे नहीं लगेगा ना ये। हाँ दूसरा वाला है आपके पास? अच्छा वो थोड़ा बड़ा वाला। हाँ समझ गया। चलता कैसे है ये? हंड्रेड की जी कैपेसिटी, फिर तो बढ़िया है। ये रोड पे चलेगा ना, मैक्सिमाइज्ड रोड पे लेना चाहिए क्या? मेरे का मन कर रहा है लेने का, ये महंगा है 2000 का यार, देखते हैं। तो गाइज डिपार्टमेंटल स्टोर से हमने कुछ नहीं लिया और अभी अपना रेस्टोरेंट से अपना फेवरेट फ्राइड फिश ले लिया। लंच में आज यही खाएंगे और घर वालों को भी खिलाएंगे, माँ को पसंद है फ्राइड फिश तो यस। और ये अंगूर वगैरह चलते हैं जी घर। अब मेरे को कमेंट से बता देना कि स्केटबोर्ड लेना चाहिए हमें कि नहीं, फिर ले लेंगे यार। मेरे को रिसेंटली शौक आया है उसका। एंड गाइस वी आर बैक टू आवर स्वीट स्वीट होम। गेट खोलते हैं। ये यार मेरे को बड़ा हेक्टिक लगता है, झंझट वाला काम गेट खोलना। वापस गंदी गाड़ी लेके आ गए घर, सोचा था चमका के आएंगे लेकिन नहीं, पर कोई नहीं, आनंद शायद को फिर वॉश करेंगे खुद। सतरंग में सतरंग शमार। I have got something special for you. Wow, perfect timing. क्या बात है, आप शर्मा क्यों रहे हैं? ये लीजिए खाइए, ऐश कीजिए, दबा के खाइए। दो पीस स्पेशल आपके लिए, एंजॉय एंजॉय योर मील। चलो और एक दे देता हूँ। गंदे हाथ से? गंदे हाथ नहीं, दो के हैं वो भी निर्मा साबुन से। सो ये रहा जी मेरा भोजन। चावल स्किप ही करते हैं, यही खा लेते हैं खाने के बदले, मतलब चावल के बदले। अंगूर टाइम गाइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चे, क्या हाल है? अच्छे सर। तो गाइस अभी ये प्यारा सा बच्चा हमसे मिलने आया है। कहाँ से आया आप? चरसू लारमू से। यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है ना? तो भाईजान, हाँ शायद भाई बैक फ्रॉम ट्यूशन। हेलो गाइस। तो ये भाईजान बोल रहा है कि मैं स्पेशली आपके साथ आपके सामने एक गाना गाना चाहता हूँ। मैं आया हूँ स्पेशली गाना गाने के लिए आपके सामने। तो मैं गाना गाने का शौक वगैरह है आपको? है। गाते वाते हो घर में अच्छे से? हाँ, स्कूल वगैरह में। चलो फिर गाते हैं, बैठो बैठो। लेकिन ये यार ये गलत चीज़ है यार, गिफ्ट लेके आया है यार ये इसकी। यार ये तुम बच्चे हो यार, ऐसे ही आना था, ऐसे ही आ जाते कि थोड़ी ना एंट्री लेते हैं यहाँ पे गिफ्ट से। This is very wrong, guys. अगर आप यार मिलने आते हो तो this is not good. हाँ, कौन सा गाना गाएंगे पहले बताइए? आपका फेवरेट सॉन्ग केसरिया। मेरा फेवरेट सॉन्ग केसरिया। स्टार्ट करें हम फिर? स्टार्ट करते हैं। रुको रुको, पहले बता क्लास किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8th क्लास में। पता होना चाहिए 8th क्लास में। हाँ। सेम। क्या बात है सर? भाई यार लगता नहीं 8th में, ये भी 8th में। ये देखो आदमी। एज क्या आपकी? 14 तेरी? 15। ओके छोटा है फिर। चलो सर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर रहा हूँ केसरिया। ओके फुल बिंदास। मुझको इतना बताए कोई, बढ़िया नाइस नाइस। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तू न जाने कितनों की लव स्टोरियां। रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारू जैसी, जन के सनातों में तू वीना के तारों जैसी। शाबाश शाबाश, आई एम एंजॉयिंग यार। ओके ओके। सदियों से भी लंबी
मन की अमावस से है और तू फुल जड़ियों वाले बोल गए हाई नोट क्या है यार इसका हाई पिच इंडियन आइडल में जाओ पहली बार में सेलेक्ट हो जाओगे बढ़िया यार वेरी नाइस पर प्लस कॉन्फिडेंस यार मेरे में अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं किसी के सामने गा सकूं लिटरली यार बहुत बढ़िया यार वेरी नाइस है बहुत नाइस जबरदस्त और कोई गाना और कोई गाना और कोई तू ही हकीकत ख्वाब तू दरिया तू ही प्यास तू तू ही दिल की बेकरारी तू सकूं तू सकूं जाऊं मैं अब जब जिस जगह तू हम सफर तू हम कदम तू हम नवा मेरा तू हम कब बला अब ये वक्त गुजरे कुछ पता चलता ही नहीं जब से मुझको तू मिला है होश कुछ भी अपना नहीं उफ ये तेरी पलके गनी सी छावो इनकी है दिल नशी अब किसे डर धूप का है क्योंकि है ये मुझ पे बिछी इंशाल्लाह एक गाना बनाएंगे यार इसके साथ पक्का प्रॉमिस कसम से आज मैं आपको स्टूडियो दिखाता हूँ अपना आ जाओ बड़े यार बहुत जबरदस्त है ना शायद तू अब शायद गाना गाएगा अरे यार शायद गाना गाएगा शायद गाना गाएगा गाना एक गाना गाना है इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको यार माइक पे गाना गवाएंगे हाँ एक रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर गाना आपका ठीक है ये तो ये माइक है मेरी ये हमारे मॉनिटर्स छोटा मोटा स्टूडियो हमारा अभी देखो मैं देखो मेरे नाम है आ जाओ इंशाल्लाह करेंगे रिकॉर्ड एक गाना अच्छे से चलो अब ध्यान से जाना ठीक है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से इंशाल्लाह करेंगे जब भी टाइम मिलेगा तब करेंगे रिकॉर्ड ओके अभी ध्यान से जाना ठीक है और मुझे बता देना जब पहुंचोगे तो मुझे मैसेज कर देना कि मैं पहुंच गया ओके चलो बड़ा प्यारा बच्चा है ना बड़ा टैलेंटेड बच्चा है इनफैक्ट प्यारा तो चलो ठीक है प्यारे सब बच्चे होते हैं लेकिन बड़ा टैलेंटेड बच्चा है आवाज़ ज़बरदस्त है ना हाई नोट यार इतना ज़बरदस्त हाई नोट इसका हमें गाड़ी धोनी है यार गाड़ी गाड़ी वॉश करनी है मैं सोचा उधर लेके चलेंगे नाले में आइए मोइन भाई आइए मोइन भाई आप ही गाना है गाइए और बड़ा माहौल चल रहा है हाँ दादा ये राज्य हमारा गिफ्ट रखो इतने बच्चे ने क्या भेजा है लेकिन यार नहीं भेजा कर यार गिफ्ट के बगैर आया कर अच्छा लगता है वैसे ऐसे बुरा लगता है फिर मुझे ही टी शर्ट है अरे बाप रे नाम प्रिंट है शायद आपकी फोटो छुपी है अरे इसमें फोटो चिपका ही है मतलब ना प्रिंटेड भाई साहब क्या बात है अरे वाह दामिना रो भाई अरे यार इसको यहाँ से ऑटोग्राफ करके यही देनी थी कितने प्यारे बच्चे यार कम से कम 400-500 की तो होगी यार एक बच्चे का 400-500 निकालना यार गुशी। तो गाइज पूरी टीम निकल पड़ी गाड़ी की वॉशिंग के लिए लेट्स गो कुरकुरे मत खाएंगे आप ओनली वन पीस खाना है भाई वन पीस ओनली वन पीस ये लेके आ गए जी हम गाड़ी को नदी लेकिन नदी सूखी सूखी सी लग रही है यार ये क्या हुआ ये क्या हो गया है भाई यहाँ से कितना पानी होता था ओ भाई वो समर है आज विंटर है विंटर में पानी कम होता है नदी नालों में फिर इधर कुछ नहीं ये बस सूखा पड़ा है सारा हाँ तो कम हो रहा है ना कुछ है ही नहीं कम क्या ओके ये देख लो जी गाड़ी को हम कहाँ पे लेके आ गए ओए ओए ऑफ रोडिंग गाइस वहां से लिटरली मेले तो बड़ी बात है यार भाई साहब और इसमें उतारते हैं यार पानी में नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग हो जाएगी आज गरीबों वाली ऑफ रोडिंग ये देख भाई हमारी क्या इज्जत रह गई भाई मतलब ये इंद्र तक बेचती थी कि नहीं आ जा भाई और तेज चला तेज क्या बात है सर अब आप चढ़ेगी ना और रे भैया रे जूता निकाल के और क्या इतना ठंडा पानी क्या ओए होए 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 इतना ठंडा अब भाई धोएंगे अकेले में शीशा ऊपर चढ़ा ना ओ यार मेरे सॉक्स लगा के ऐसे लिया स्टॉप एंड स्पीड फुल स्पीड के साथ बाप तेरी कपड़े भी गीले हो जाएंगे ऐसे ही देखा चलो शुरू हो जाओ बाल्टी तो एक ही है हमें दे दो
भाई भाई आ तू वाजीवा अरे भाई पोपट हो गया गाइस मानता ही नहीं है कुछ बस यार इतना काफ़ी है थोड़ी बहुत वॉश हो गई धूल वगैरह हट गई वो काफ़ी है अब अच्छे से वॉश कराएंगे इधर वॉश सेंटर से कल परसों बैक होम गाइस गेस व्हाट गाइस सुबह मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था ना कि मैंने चश्मा ऑर्डर किया था वो भी आया नहीं इट्स फाइनली हियर अभी जस्ट शाम को यार मैंने पार्सल रिसीव किया अभी जस्ट आया वो बंदा तो लेट्स सी ओके तो ये रहा जी हमारा चश्मे का डब्बा एंड आई होप ये वैसा ही हो जैसा मैंने ऑर्डर किया है ओ यस 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 वैसा ही है वैसा ही है ओ ब्रो ओके इट्स द सेम गाइस बट यस बेटर क्वालिटी और हल्का है पिछले वाले से हल्का है काफी यस ओ ब्रो बढ़िया है यार अच्छा है ना और हल्का है काफी यार पिछले वाले से नाइस काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है यार बहुत बढ़िया तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को करते जी थ्री एंड मैं चलता हूँ नीचे मैं डिनर करके आता हूँ डिनर करके मैं करूँगा ब्लॉग एडिट एंड उसके पास हो जाएंगे तो ऐसे ब्लॉग का फिल्म चल रहा है ऑलरेडी तो इस ब्लॉग को इधर करते हैं एंड अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो लाइक आई विल सी यू सो मच टिल देन गुड बाय अस्सलाम वालेकुम बाय बाय कुछ ज़्यादा तेज़ बोल दिया क्या कोई बात नहीं भाई